अगर ए बराबर आर बाई टू सोच रहा है कि एकदम धराक से न साबित कर दे, तो आओ कवि का भाव लगा। यह एक कौन सा दर्पण है बबुआ? प्यारे बच्चों क्या है यह? ए है अवतल दर्पण और यह है बी, यह है एफ और यह है सी। अब हेने से चलल एगो समानांतर किरण, समानांतर आवतिया किरणी कैसे है? अरे किरण प्रकाशीय किरण स्त्रीलिंग ना है जी, तो किरणी एल के टकराए तो भागल के एफ से, कहां से? एफ से। तो इसका मतलब कि अगर अगर प्रकाशीय किरण आती है समानांतर तो जाती है मुख फोकस। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? यहां से बस 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 एक का डाल दिया गया ए, इस पर अभिलंब डाल दिया गया, बिंदु एन पर सी से क्या डाल दिया गया? अभिलंब। मान लिया जाए कि यह कोण थीटा है, आपतन कोण कितना है, तो ए परावर्तन कोण भी, और साफ सुथरा तरह के हम बात कही गो भाई एम एन आ समानांतर बा कौना के पी सी के आ काटत कौन बा भाई एन सी, तथा एन सी काट रही है, एन सी क्या कर रही है? काट रही है। तो एन सी जब काट रही है तो क्या साहब है या है बराबर नहीं होगा क्या? एम एन सी, एम एन सी बराबर एन सी पी बराबर कितना? थीटा। अब देखो ए में ज्यादा दिमाग नहीं के लगावे के, हई थीटा बा तो हयो थीटा हो, बात मानता रहा कि ना? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो यह थीटा तो ये भी थीटा, और हई समानांतर बा है त्रिज्या काटे तो हई कोण के कहल जाला एकांतर कोण। क्या कहल जाला? भोजपुरी में कोना कोनियाला कोण कहल जाला, कोना कोनियाला कोण, एक कोना कोनियाला कोण मत कहियो, क्या कहबो? एकांतर है या है, क्या हो गया एकांतर कौन से है? तू देख तू त्रिभुज में चला, त्रिभुज एन सी एफ में कौना में हो, एन सी एफ में देखा तरह की है कौन आ है कौन, दोनों का बा बराबर, थीटा थीटा नहीं के है कौन के नाम का सी एन एफ, क्या नाम है? सी एन एफ बराबर इस कौन का नाम क्या है? एन सी एफ, क्या नाम है? और आप एक बात जान लीजिए, त्रिभुज में यदि दो भुजा दो कोण अगर आपस में बराबर है तो उसके सामने का भुजा भी आपस में बराबर होती है। अब इस कोण के सामने कौन भुजा है? एनएफ है, क्या है भाई? एनएफ है, एनएफ। और इस कोण के सामने कौन है? सीएफ, क्या है? सीएफ है, क्लियर है? अब एनएफ बराबर क्या हो गया? सीएफ, ये बात मन में रखो, एनएफ बराबर क्या हो गया? CF, यह NF है और यह CF है, दोनों क्या हो गया? बराबर। तनी सोच के देखो कि है जो NF बा, NF बानो अगर है ना के मोर के हम हैंग लिया ही तो N बिंदुआ कहाँ आ जाए? P पर। NF जन बा है ना चकवा चकैया खिलावत लिया दी कहाँ? P पर। तो है अगर चकवा चकैया खिलावत लिया दी कहाँ? P पर। तो ऐसा कंडीशन में है NF जब घुमा के लिया दे लहे ने तो N बिंदु कहाँ जाए? पी पर आ जाए। छोटे द्वारक में एन बिंदु कहाँ होता है? छोटे द्वारक में एन बिंदु कहाँ होगा? पी पर होता है, पी पर होता है। इसलिए जो यहाँ एन है, जो एन बिंदु है वो कहाँ हो जाएगा? पी पर। तो जहां एन है वहां क्या बैठा दे? पी बैठा दे, हो गया ए पी एफ बराबर एन एफ हो गया। अब मुझे निकाल लेना होगा यह पीसी, क्या निकालना है? पीसी निकालना है, पीसी बराबर आप जानते हैं यहां से यहां निकालना है। अगर मान लो कि यहां से तेजपुरवा के दूरी निकाले के बाद तो यहां से मिर्जापुर आप मिर्जापुर से तेजपुरवा जोड़ देवे तो ना निकल जाए, यहां से अगर तेजपुरवा के दूरी तहन निकालिए लेवे के बाद तो यहां से मिर्जापुर के दूरी जोड़ दो आप, यानी यहां से मिर्जापुर के दूरी निकाल लो आप, मिर्जापुर से तेजपुरवा के दूरी निकाल लो, दोनों दूरी जब जोड़ देव तो यहां से तेजपुरा ना आ जाए। वह काम हम करे जाता नहीं,
हईजन बटे पूरा का बा पीसी पीसी के लिख सकत रह का सी एफ अजोर पीएफ लिख सकत रह सी एफ जोर पीएफ तो तू इहो बात लिख सकत रह सी एफ के बदला का लिख सकत रह सी एफ बराबर पीएफ बराबर न बा पीएफ लिख द पीएफ हो गेल तू बताव पीसी बराबर का हो गेल टू पीएफ आ चाहे पीएफ निकलब तो पीसी बटा का हो जाए तू अब तनी सा ध्यान बढ़ाव है एफ लुहा हो आई पूरा हिया से हिया का होला आर यहाँ से यहाँ वक्ता त्रिज्या होता है और यह क्या होता है फोकस दूरी अब मान बैठा ये चूंकि यह जो एफ और आर का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है यह आर और यह एफ तो ये दर्पण के सामने जो भी दूरी नापते हैं सब क्या होता है माइनस में तो हम पीसी के जगह पीएफ के जगह माइनस एफ और पीसी के जगह माइनस आर दोनों तरफ से अगर माइनस हटा दें एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बाई टू ये भी एक तरीका है ना एक बार इसको समझ लीजिए आप और उसके बाद जो तरीका आपको लगे ठीक वो आप बना लीजिएगा इसमें आप देख पा रहे हैं एक दर्पण है और यह कोण थीटा तो यह भी कोण क्या हो जाएगा का है आ? परावर्तन के नियम से अगर है थीटा बा तो हयो का हो लेकिन फिर बात आवत है कि है दोनों समानांतर है त्रिज्या रेखा बा तो ऐसा कंडीशन में है थीटा तो हयो थीटा का है एकांतर कोण से एकांतर कोण से मान का हो जी बराबर तो है थीटा तो हयो थीटा तो देखो है दोनों थीटा थीटा ना हो गए तो हम त्रिभुज में चलता नहीं एन सी एफ में क्या नाम हो एन सी एफ में चला तो एन सी एफ में तू देखा था ना कि दोनों कोण का आपस में बराबर तो नियम कहता है कि तब जो दोनों कोण बराबर बा तो एक कोण के सामने वाला भुजा भी का हुई बराबर तो हई कोण के सामने हई कोण के सामने कौन बा सी एफ और हई कोण के सामने कौन बा एन एफ सी एफ बराबर का हो गए एन एफ हो गए लेकिन छोटा तुम्हारा खातिर जो हम एन बिंदुआ ऊपर लौकता ठुंडुकुआ पर तो कहाँ होला पी पर तो जहां जहां एन बा वहां का लिख दे पी लिख दे तो एन एफ बराबर सी एफ रहा तो पी एफ बराबर का हो गए सी एफ हमारा निकाले के बाद पी सी का निकाले के बाद पीसी तो पी से सी यह निकालना है तो हम लिख सकते हैं पीएफ अजोर सीएफ तो पीएफ जोर सीएफ लिख दे नहीं हम आ चूंकि सीएफ के बदला में क्या लिख ले बा पीएफ सीएफ जगह पीएफ हो गए पीएफ और पीएफ मिलकर हो गए टू पीएफ और यहां दो गुना में बात करने गलत भाग में अब अगर पीएफ बराबर पीसी बटा दू अब पीएफ का है यार फोकस दूरी है आ है का है वक्ता त्रिज्या है तो ऐसा का कंडीशन में चूंकि दोनों दर्पण के सामने ना पता रहा तो क्या हुई माइनस में तो माइनस बिठा देनी हई हो गए माइनस एफ आई माइनस आर कट गए एफ बराबर आर भाई